ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती जबकि गणेश की पहली पूजा होती है क्यों? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, विष्णु को पालनकर्ता। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, विष्णु को पालनकर्ता एवं महेश यानी शिव को संहारक कहा जाता है। इसमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता के साथ संसार को बनाने वाला है, संसार के निर्माता है, फिर भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती जबकि गणेश जी इन त्रिदेवों में महेश जी के पुत्र हैं, जबकि गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम की जाती है, ऐसा क्यों? एक हिसाब से पिता की पूजा नहीं और पुत्र की पूजा की जाती है। हालांकि गणेश शिव जी के पुत्र हैं मगर वह ब्रह्मा के लिए भी तो पुत्र के समान ही है ना। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, उस कारण को जानते हैं। पहला कारण है, ब्रह्मा जी को पुष्कर में यज्ञ करना था। यज्ञ करवाने पर पति पत्नी एक साथ पूजा में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। यज्ञ का समय निकल रहा था, अब क्या किया जाए। तो सावित्री भी अभी तक नहीं आई और उधर यज्ञ का मुहूर्त भी निकला जा रहा था। तब ब्रह्मा ने एक स्थानीय लड़की गायत्री से शादी कर ली। थोड़ी देर बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां देखती है कि उनके पति के साथ कोई अन्य औरत बैठी है। सावित्री गुस्से से तिलमिला उठी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जाओ इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। देवता लोग बोले, ऐसा मत करो माँ। जब सावित्री की गुस्सा शांत हुई तो कहा, मैंने जो श्राप दे दिया, अब इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों पहला कारण। और दूसरा कारण है, ब्रह्मा जी प्रमुख देवता है फिर भी पूजा नहीं होती। इसका दूसरा कारण है कि एक बार ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए भगवान शिव ने विष्णु व ब्रह्मा जी को भेजा कि जाओ ब्रह्मांड की पता लगा करके आओ। तो ब्रह्मा कुछ दूर जाकर लौट आया और शिव जी से झूठ बोल दिया। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। कहने का मतलब यह है, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो झूठ बोलता है उनकी कुछ कद्र कम हो जाता है। और अब बता रहा हूँ आपको, गणेश जी की पहली पूजा क्यों होती है। तो एक बार भगवान शंकर अपने पुत्र कार्तिकेय को राज तिलक करने का विचार कर रहे थे, तब उनके छोटे पुत्र गणेश भी राज तिलक करवाने का हट करने लगे, मुझे भी राज तिलक करो। शंकर भगवान असमंजस में पड़ गए, बड़ा परेशानी है, किसे राज तिलक करूं? तो कार्तिकेय और गणेश दोनों ही राज तिलक के लिए हट कर रहे थे। फिर शिव ने कुछ सोचकर कहा, जाओ तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उनका ही मैं राज तिलक करूँगा, वह ही राज तिलक का अधिकारी होगा। कार्तिकेय खुश हो गए, उनका वाहन मोर है, वह गणेश जी से जल्दी आ जाएगा। और वह मोर में बैठकर चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। अब इधर गणेश है,
वो परेशान, क्या करूँ, मेरा सवारी चूहा है, मैं क्या करूँ सोच रहा था। फिर गणेश जी अपने माता पार्वती व शंकर जी को बुलाकर एक पीढ़े में खड़ा होने को कहा। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि गणेश आखिर क्या कर रहा है। माता पिता को पीढ़े में खड़ा करा के गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा कर ली। फिर गणेश जी ने शंकर भगवान से कहा, पिताजी आपने जो कहा मैंने पूरा कर लिया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। भगवान शंकर बोलते हैं, क्या बात है? तो गणेश ने कहा, आपने एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा था और मैं एक नहीं बल्कि 7-7 बार परिक्रमा कर ली, साथ में 7-7 बार आकाश की भी। शंकर जी चकित हो गए, कैसे? पिताजी आप ही तो कहते हैं माँ पृथ्वी से बड़ी है, पिता आकाश से बड़ा है। मैंने दोनों को पीढ़े पर खड़ा करा के परिक्रमा कर ली। भगवान शंकर पुत्र गणेश की बुद्धि पर खुश हो गए और वरदान दिया, जाओ इस धरती पर सबसे पहली तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि संसार में बुद्धि, चरित्र और सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। संसार में बुद्धि, विवेक और सत्य की पूजा होती है। नमस्कार।